आप जो चप्पल पहना लोगे तो पहनने की नहीं चाहते। अधिकतर पूरे गांव बुंदेलखंड में ऐसा है कि कोई चप्पल पहन के महिलाएं नहीं जा सकती। कौन से लोग हैं जो करते हैं? ये बड़े आदमी बामन है, ठाकुर है, अहिर है, ये कहते साहब सुबह में पानी भरने जाते तो घंटा बैठे, कितना ही पानी भरो दूर बैठो तो पानी नहीं भरने देते साहब। देश आजाद है, देश तो आजाद है साहब, हम तो दुखी ही है। आपके बारे में मुझे बताया गया? हम साहब ये तो गांव में जाते हैं चप्पल पहन के तो दुखी कहते हैं आदमी। क्या कहते हैं? साली घर क्यों निकल दी हमारे गांव में चप्पल पहन के। आपके समाज के कितने लोग हैं वहाँ? चार घर है, चार घर, बस चार घर है, चार घर। इसलिए कर और साहब ये तो कुआ पे पानी भरने जाते तो घंटा बैठे, कितना ही पानी भरो दूर बैठो तो पानी नहीं भरने देते साहब। निमंत्रण खका है शादी में। ये कौन से लोग हैं जो करते हैं? ये बड़े आदमी बामन है, ठाकुर है, अहिर है, ये कहते साहब और बोलते के शादी में निमंत्रण करो तो जाओ यहाँ कूड़ा कचरा में बिठा दो, नायजा के पास बिठा दो, आप किसी पे खा रहे और बसो चमान है दूर भगा दे तो साहब कैसे खा लेंगे। आत्मा हमारी दुखी है साहब, और जैसे बच्चा हमने तो झेल ली साहब, बच्चन पे नहीं इतनी परेशानी हर तरह से साहब। सही है, आप कहते हैं देश आज़ाद है, देश तो आज़ाद है साहब, हम तो दुखी ही हैं, बहुत दुखी हैं हर तरह से। आप जो चप्पल पहना दोगे तो पहनने के नहीं चाहते तो आप लो पहन लो। बेटा हमारी परेशानी दूर करो बेटा। हम ये चप्पल क्यों नहीं पहने देते, इसका इसके इसका कारण क्या है, सोच क्या है इसके पीछे? मैं वहाँ करीब 96 से दलितों का काम कर रहा हूँ उस एरिया। तो कितने गांव में हो रहा है ये? आप 90% गाँव आप कहाँ पे? उसी क्षेत्र में, मतलब पूरे बुंदेलखंड में, क्योंकि बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड को छोड़कर मध्य प्रदेश के जो 7 जिले हैं और 26 विधानसभा, अधिकतर पूरे गांव बुंदेलखंड में ऐसा है कि कोई चप्पल पहन के महिलाएं नहीं जा सकती। और मेरा निवेदन ये है, पूरे बुंदेलखंड की बात है, एक जगह की बात नहीं है, आज भी जाँच करवा लीजिए और आज भी मतलब उनके दरवाजे से कोई जा नहीं सकता।